प्राइम बॉलीवुड hollywoodworld.com के दर्शकों को आज हम वाणी त्रिपाठी जी से मिलने जा रहे हैं। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और सेंसर बोर्ड भी हैं। वाणी त्रिपाठी जी, जैसे कि वुमेन अब समय 2019 का स्पीकर तो आपने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की है, बहुत बड़ी एक जर्नी तय की है महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए। जो आपने अब तक की जर्नी उसके कुछ बहुत दूसरों के अंदर पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मीता कपूर जी का और वुमेन अप समिट का कि उन्होंने इस बार इसमें शिरकत करने के लिए मुझे बुलाया। मुझे लगता है कि इस तरह के समारोह महिलाओं के सिर्फ उत्थान में ही नहीं, उनको लेकर जो देश भर में काम हो रहा है उसको भी बहुत अच्छी तरह से रेखांकित करते हैं। जयपुर तो वैसे भी अगर देखा जाए तो एक सांस्कृतिक गढ़ है देश का, जहाँ नारी उत्थान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया। मुझे ये भी लगता है कि वुमन अप समिट जैसे समारोह सम्मेलन केवल महिलाओं को लेकर बात ही नहीं करते, देश भर में नारी उत्थान के लिए अचीवर्स ने जो काम किया है उसको लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही पुरजोर काम करते हैं और इसलिए मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस सम्मेलन का और बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आज जयपुर शहर में आने का मौका मिला। आपने जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की उसके पीछे आप स्वयं रहे या आपके पारिवारिक मतलब प्रेरणा से? मुझे लगता है मेरी अभी कोई भी उपलब्धि नहीं है, अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य अभी जारी है, कोशिश ही की जा सकती है। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर। लेकिन हाँ, ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक ऐसे पिता और माँ की पुत्री हूँ जिन्होंने मुझे जेंडर के हिसाब से नहीं पाला, पुत्र या पुत्री की तरह पाला, एक व्यक्ति के हिसाब से पाला। और वही शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जब मैं लोगों से जाकर मिलती हूँ, काम करती हूँ, तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ती हूँ कि वो पुरुष है या नारी। मुझे लगता है कि उनकी सोच और उनकी जो दिमाग की बनावट है वही उनके काम के साथ जुड़ने का मुझे मौका है। सेंट्रल बोर्ड के मेंबर है, किस तरह की फिल्मों की आवश्यकता है जो ज़्यादा बननी चाहिए, जिनको प्रेरणा मिलनी चाहिए या प्रोत्साहन मिलना चाहिए? मुझे लगता है सिनेमा इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत दौर से गुजर रहा है, जब नए कथानक और ऐसे कथानक जहाँ सचमुच महिलाओं को लेकर सच बोलने की शक्ति नज़र आती है। एक हमने सेंसर बोर्ड में ज़रूर एक बिल्कुल खम ठोक के जिसे कहते हैं बात हमने प्रस्तापित की है, उसमें विद्या बालन शामिल है, प्रसून जोशी भी शामिल है और बाकी बोर्ड के मेम्बरान शामिल हैं। हम आइटम नंबर्स को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन और नारी का चित्रण अश्लील रूप से होता है, जब तक हमारा सिनेमा उस पर रोक नहीं लगाएगा, जब तक आत्ममंथन नहीं करेगा कि वो किस तरह से नारी पात्रों के साथ और उनकी उनके सम्मान के हनन का आनंद होता है इससे, तब तक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को जब तक ये झटका नहीं लगेगा तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। बाकी मुझे लगता है कथानक के हिसाब से चाहे बैटमैन हो, शुभ मंगल सावधान हो, NH10 हो, डर्टी पिक्चर हो, इतनी सारी फिल्में पिछले दिनों आई हैं जो नारी चरित्रों और हमारे समाज से जुड़े हुए नारी पात्रों के बारे में बहुत ही खुलकर, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से वो कथानक पेश किए गए। मुझे लगता है इस तरह की सिनेमा को बढ़ावा देना चाहिए और इस तरह की फिल्में आज बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हैं। एक पुराना बहुत ही खराब प्रोपेगेंडा किया जाता था कि अगर नारी चरित्र प्रोटैगनिस्ट है, प्रमुख चरित्र किसी फिल्म की, तो फिल्म काम नहीं करेगी। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा टूटा है और हमारे देश की जनता ने महिलाओं के चित्रण को बहुत ही सुंदर तरीके से गला लगाया। धन्यवाद।